जी समरा, माशाल्लाह आज अब सबके सामने है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। अब आपने क्या क्या ख्याल रखा इसकी तरबियत में? मुझे एज अ माँ मैं भी सुनना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। लेकिन ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। हाँ, ये मैंने नोट किया पहले, मतलब ये उसकी क्या टिप है माँ को देने के लिए कि बच्चों को डाउन टू अर्थ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उसे माँ जैसा होना चाहिए। नहीं, आई थिंक वो फोकस ये बहुत ज़्यादा था कि हर एक की रिस्पेक्ट की जाए, और फिर कोई नई चीज़ नहीं थी, माँ सिर्फ हमेशा से इस फील्ड में रहे। तो उसने कोई ऐसा नहीं था कि उसने पहली दफ़ा जो है वो इम्पोर्टेंस देखी है, तो उसको पता था। लेकिन आई एम ग्लैड कि उसने अपनी इम्पोर्टेंस खुद बनाई है, और वो भी पढ़ के। हम बस ये नहीं चाह रहे थे कि पहले आ जाए। अच्छा, आप चाहे थे पढ़ कर बिल्कुल। फिर वो आपको पता भी होता आप क्या कर रहे हैं, आपको फौरन दिमाग भी खराब नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ा होता है, फिर आप मेहनत कर रहे हो। तो ये नहीं कि ओके आसिफ रजा मीर का बेटा है तो अच्छा शक्ल बेहतर है तो बस अब आप यू आर फेमस। अच्छा, वैसे माँ बाप अच्छी शक्ल के होते तो ये तो गारंटी होती है ना कि बच्चे भी अच्छे ही होंगे, जाहिर उन पे ही जाएंगे। हाँ, अंदर से भी अच्छा होना चाहिए सबसे बड़ी बात। शक्ल आपको थोड़े दिन के बाद, आसिफ रजा मीर साहब के बाद फैसल कुरैशी के बाद तीसरा लड़का है जिसको आई लैशेस की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब आपकी पलखें बड़ी हैं। मैं वो मतलब लड़कों की पलखें बड़ी नहीं होती है ना, एक आसिफ साहब की थी पलखें बड़ी, फैसल कुरैशी, और ये तीसरे आहद है। और मुझे किसी की हुमायूं शुमायूं किसी की पलखें बड़ी नहीं है। हाँ, मैंने कहा अच्छा बच्चा आ गया। चले